कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रेप लर्न एडु सेंटर को और करे अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। दोस्तों आइए जानते हैं मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसमें आप कैसे अपना खाता खुलवा सकते हैं। समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस योजना में अधिक ब्याज मिलता है, साथ ही आपको टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिलती है, जिससे ना सिर्फ अपनी बेटियों को आप एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं और वर्तमान में लगभग 8.1% का ब्याज आपको मिलता है, जो कि PPF की तुलना में भी अधिक है। आइए जानते हैं कैसे आप खाता खुलवा सकते हैं और क्या है इसकी प्रक्रिया। चलिए देखते हैं क्या है खाता खुलवाने की विधि। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आमतौर पर जो बैंक PPF खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे खाता खुलवाने के लिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म लेना होगा, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, साथ ही माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और उनके पते का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। आपको आधार कार्ड की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां से आपने खाता खुलवाया है वहां से आपको पासबुक भी मिलता है और पैसे जमा करने के लिए आप नेट बैंकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कौन खाता खुलवा सकता है, आइए जानते हैं। किसी भी लड़की के लिए आप खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप उस लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। साथ ही आप अपनी बेटी के नाम से सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं और आप अपनी सिर्फ दो बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। यदि दूसरी बेटी जुड़वा है तो आप उस केस में तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। यदि इस योजना के लाभों पर बात की जाए तो इसमें PPF से अधिक ब्याज मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको आयकर पर छूट भी प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कटौती का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त मैच्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज और रकम दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। योजना के तहत आप न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करवा सकते हैं और 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराया जा सकता है। यदि किसी वर्ष आप न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो अगले वर्ष आपके ऊपर 50 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाती है। आप कब निकाल सकते हैं अपने पैसे को? जब तक आपकी बेटी की उम्र 18 साल नहीं हो जाती आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं और बेटी के 21 साल होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है। यदि बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आंशिक निकासी का अवसर मिल जाता है। आगे से यदि बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाता है और ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।